जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में ये ड्रेस हमने बनाना सिखाया था जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन पगड़ी नहीं सिखाई थी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो चलिए आज इस वाले वीडियो में हम आपको इसकी पगड़ी बनाना सिखाते हैं, जो कि हमने थोड़ी हैवी बनाई है क्योंकि पोशाक भी हम रक्षाबंधन या जन्माष्टमी पर पहनाने के लिए बना रहे हैं। तो चलिए पगड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये पगड़ी मैं 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। 5 नंबर के कान्हा जी के सिर का नाप 4.25 इंच है। 4.25 इंच के लिए मैंने 5.25 इंची यदि 8 इंची मैंने एक्स्ट्रा पेपर कट किया है। इसके लिए मैंने देखिए 5.25 इंच ऐसे लंबा और 1 इंची चौड़ा ये पेपर कट कर लिया कार्डबोर्ड का, और 1 ये बुकरम की पट्टी मैंने कट कर लिया। तो सबसे पहले हम ग्लू गन की मदद से इस पर ये पट्टी चिपका लेंगे और उसके बाद में ये शेप दे करके इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। अब इसको देखिए इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद में यह सेंटर से एक कट लगाएंगे क्योंकि ये कर्व है, ये थोड़े छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेंगे। और ये हॉट ग्लू की मदद से इसको हम चिपका देंगे। चिपकाने का काम थोड़ा सावधानी से करिएगा क्योंकि ये ग्लू बहुत गर्म होता है और कई बार हाथों की खाल तक खींच लेता है, तो इसलिए ये काम को बहुत सावधानी से करें। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद में ऐसे रख के हम इसके ऊपर इसको भी चिपका देते हैं। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में ये देखिए गोलाई देते हुए इसको यहाँ से भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए यहाँ से चिपका देंगे। ये हमने अब इसकी जो गोलाई है उसके नाप का ये गोल पीस कट किया है और उससे थोड़ा बड़ा चारों तरफ से बड़ा हमने फैब्रिक कट किया है। अब इसके चारों तरफ ऐसे ग्लू लगा करके और इसके भी हमने ये साइड से कट निकाल दिए हैं, इसे चिपकाना में थोड़े गोलाई देने में आसानी होती है। अब इसके ऊपर इसे रख करके ये देखिए और चारों तरफ ग्लू लगा करके इसको चिपका देते हैं। अभी हमने ये 5 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा ये फैब्रिक लिया है लहरिया वाला, इसको ये देखिए इसको पहले हम ऐसे मोड़ेंगे, इसे प्रेस से मोड़ लेते हैं बजाय सिलाई के, और इसके ऊपर एक ऐसे प्लेट डालेंगे ऐसे रखेंगे उसका, उस पर भी हम प्रेस कर देंगे, फिर एक और प्लेट डालेंगे उस पर भी प्रेस कर देंगे, फिर एक और प्लेट डालेंगे उस पर भी प्रेस कर देंगे, और यहाँ से छोर है इसका ऐसे अंदर की साइड मोड़ करके ऐसे प्रेस कर देते हैं। तो इतना काम ये प्रेस से हम कर देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। अब इसमें देखिए ये है, यहाँ से हमने इसको ये चिपका दिया है। अब यहाँ से इसको हॉट गन की मदद से हॉट ग्लू से इसको ऐसे चिपकाना शुरू करेंगे हम, और यहाँ से ऐसे घुमाते हुए राउंड लेते हुए आएंगे अच्छे तरीके से, और यहाँ तक ऐसे इसको ओवरलैप करते हुए लाएंगे और ऊपर ये पीछे ले जा करके यहाँ तक चिपका देंगे। देखिए हमने इसको पूरा कवर कर लिया है। अब इसको हमने 15 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी ये पट्टी कट की है, साथ ही हमने अस्तर की भी एक आरकंडी के अस्तर की भी पट्टी कट कर ली है और इसको सील करके इसको पलट दिया है। अब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे कलगी बनाने के लिए। तो देखिए कलगी बनाने के लिए हम प्लेट्स इस तरीके से डालते हैं, घेर की प्लेट्स हम चपटी डालते हैं और ये कलगी के लिए हम प्लेट्स एक जगह पर ही इकट्ठी करते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये प्लेट्स डाल करके हम ये प्लेट्स हमने डाल ली, एक जगह पूरी इकट्ठी कर ली है और बिल्कुल बराबर करके, और लास्ट में यहाँ पर हम एक टांकल से सुई के टांके से
सबको इकट्ठा जोड़ देते हैं। ये देखिए ये हमने तैयार कर ली। इसी तरीके से हमने एक नेप की भी कलगी तैयार कर ली है। आप चाहें तो यहाँ पर गोटा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने गोटा नहीं लगाया क्योंकि अभी मुझे बूटियाँ लगानी हैं। अब सबसे पहले देखिए स्टोन चेन लिए हमने, और स्टोन चेन को हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे फेविक बॉन्ड की मदद से, क्योंकि ये और किसी से नहीं चिपक पाती है। और ऐसे करते हुए हम देखिए यहाँ तक लाएंगे और कट कर देंगे। फिर एक लाइन और हम लाएंगे, उसको भी ऐसे यहाँ तक ला करके हम कट कर देंगे। फिर एक लाइन और लाएंगे इस तरीके से, और उसको भी यहाँ पे ला कर कट कर देंगे। इस तरीके से हम तीन लाइनें ये स्टोन चेन की बना लेते हैं। अब हमने जो नेट वाली कलगी लगाई है, देखिए स्टोन चेन लग गई है। नेट वाली कलगी को हम पीछे लगाएंगे ऐसे करके, यहाँ से चिपका देंगे, और जो ये वाली कलगी है हमारी फैब्रिक वाली, उसको हम आगे लगाएंगे। तो ये इसको पहले चिपका देते हैं। देखिए ये बूटी ली है हमने, बूटी को हम यहाँ से ऐसे लगा देंगे। साथ ही ये वाला जो फ्लावर बूटी ली हमने, उसको हम एक साइड से ऐसे लगा देंगे यहाँ पर, और बाकी हम जगह पर ये स्टोन्स लगा देंगे। ये फ्लावर यहाँ पे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, मुझे इस साइड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस साइड में फ्लावर लगा देती हूँ, ये वाला बंच फ्लावर का। और ये छोटी वाली बूटी है वो मैं हर प्लेट्स पर यहाँ पर लगा देती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये पगड़ी हमारी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोतियों की लड़ियाँ हैं ना, वो उनको लगा देते हैं यहाँ पर एक साइड में। तो ये हमारे ठाकुर जी के जब लट्टों के ऊपर पड़ती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं मोती की लड़ियाँ। तो यहाँ पे हम थोड़ी छोटी, उससे बड़ी ऐसे करके तीन चार लड़ियाँ बनाते हैं और उनको लगा देते हैं। ये देखिए हमने ये लड़ी बनाई है लटकन मोतियों की, और इसको लटकन को हम यहाँ लगा देते हैं फ्लावर के नीचे, ये छुप जाएगा देखिए, और बहुत प्यारी लगेगी। देखिए इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, चिपका दिया, ऊपर से एक फ्लावर की लीफ है ना उस पर चिपका दी पेटल। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रही है हमारी ये पगड़ी। ये देखिए दोस्तों ये हमारी पोशाक है और ये हमारी पगड़ी है। ये हम अपने ठाकुर जी को पहना करके आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। मुझे बहुत ही पसंद आई और उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आगे अभी हम बहुत कुछ दिखाने वाले हैं अपने वीडियोज़ में अपने ठाकुर जी के लिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।